सो वेलकम बैक टू भिवंडी। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। और टाइम हो गया है 12:54। तो सबसे पहले तो मेरे को बासित को पिक करना है। बासित को पिक करूंगा, फिर इसके बाद में हम निकलेंगे मुंबई के लिए। कहाँ गया? फ़ोन कर रहा है। कहाँ है? हेलो, अबे हेलमेट लगाया कहाँ, आवाज़ दे रहा तू भी। सामने 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 के खड़ा हो जाने का ना। लाल टी शर्ट, अबे तू इतना छुप के खड़ा रहेगा तो कहाँ से पता चलेगा। आ जा, चल चल बैठ, थोड़ा काला वाला करके आता तेरा मुँह। करेक्ट 1 बज चुका है और कड़क गर्मी, मजबूत धूप। तो जैसे ही मैं भिवंडी पहुंचा हूँ, मैं कल के दिन भिवंडी पहुंचा और गाड़ी की हालत इस तरीके से थी। और फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट निकाला, खाली सीट पहुँच के सीधा जाके वॉश कराया हूँ, फिर उसके बाद में ये हालत हो गई। एकदम क्लीन चकाचक। तो आज के दिन वापस दूसरे दिन ही हम निकल गए मुंबई के लिए। मुंबई तो हमारा घर है, घर। आना जाना लगा हुआ है, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाना तो पड़ेगा ही। थोड़ा बासित का हाथ उत काला करके लेकर आते हैं, टी शर्ट पहना वैसे भी, जो धूप सीधा हाथ में पड़ता है चटका तो लगता ही है, लेकिन हाथ का कलर भी बदली हो जाता है। इस बार जब मैं केरला गया था तो मैं निंजा को चलाया तो था लेकिन व्लॉग नहीं कर पाया। व्लॉग इसके लिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास हेलमेट का सेटअप नहीं था, क्योंकि मैं तो अपना हेलमेट नहीं लेके आता हूँ, शाकिब के हेलमेट के भरोसे जाता हूँ। लेकिन शाकिब का जो सेटअप था हेलमेट का, उसने वो भी निकाल दिया था क्योंकि उसका जो गोप्रो है वो ख़राब हो चुका है, Hero 7। तो अभी उसको नया, जब तक गोप्रो नहीं मिलेगा तब तक वो उसको फिट नहीं करेगा ऐसा लगता है मेरे को। तो इसके लिए उसने उसका सेटअप जो है वो निकाल के रख दिया। तो उसको निकाल के रखने की वजह से मैं भी व्लॉग नहीं कर पाया। ओहो, ये तो विजय वाली कार है, मास्टर। मास्टर मूवी में जो कार है वो कुछ इसी तरीके से है। आगे का देख के समझ में आ जाएगा। हाँ, इतना मास्टरपीस बनाया है। कट मारने वाला था मैं, लेकिन ये रास्ता क्यों बन गया भाई मुमरा वाला, ये क्यों बन गया यार? हाँ, मुमरा वाला रास्ता बन गया है, क्या मसला है? तो आप लोग को अगर पता नहीं है तो बता देता हूँ, मुमरा का जो रास्ता है वो बंद किया गया है। और सुनने में ये आया है कि वहाँ काम चल रहा है, रोड का शायद काम चल रहा है, तो आपको ऐसे घुमा के मुमरा की तरफ जाना पड़ेगा। ओ, ये पूरा घर बाहर लेके निकला है भाई, पूरा घर खाली कर दिया ये। ये बाइक होता ही है ऐसे चलाने के लिए, खड़े होके चलाते रहो, मजे भाई मजे। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। बाइक यहाँ पे खड़ी करके जा रहा हूँ, ये बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट सामने गाड़ी खड़ी किया हूँ, देख कहीं कुछ लोचा ना हो। आ जा, चल
ఇల్లా तो कितना टाइम हुआ अपने को यहाँ छोड़ के गए गाड़ी? आधा घंटा कितना बजा रहा है? अपन गए ढाई बजे अभी कितना बजा? पौने पाँच मतलब दो घंटे के ऊपर हो गया। दो घंटा पहले गाड़ी छोड़ के गया था, सही सलामत यहीं मिली। मुंबई में गाड़ी छोड़ के आना खतरे से खाली नहीं है। एक तो पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, पार्किंग की मिलती है तो समझ में नहीं आता कि पार्किंग यहीं की कुछ और है। तो टाइम हो गया है 4:49 और हम लोग अभी यहाँ से निकल गए, अब सीधा जा रहे हैं भिवंडी। कैसे चलाते हैं यार इन लोग। मेरा ठुकेगा कि नहीं लगेगा? वाली स्टाइल है। तो बैटरी खत्म हो चुकी है मेरे एक्शन कैमरा की, इसके लिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। जो भी है जैसा भी है, ब्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बी सेफ और राइड सेफ।